साथियों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त चैनल पर हर कदम आपके साथ एक नई सोच के साथ संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है महिला बाल विकास ने संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की बहाली हेतु ज्ञापन जानिए इस वीडियो में हम ये महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहिए तो चलिए पूरा वीडियो को देख लेते हैं लेट्स गो महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत तेजस्विनी परियोजना में विगत 12 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारी अधिकारी कार्यरत थे विगत एक सप्ताह पूर्व इन सभी को सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया गया यह कहकर कि तेजस्वी परियोजना अब बंद हो चुकी है अतः 31 मार्च के बाद आपकी सेवाएं की आवश्यकता नहीं है मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने सेवा समाप्ति का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग की मंत्री इमरती देवी तथा महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव जे एन कंसोटिया को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि 5 जून 2018 को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनाई गई संविदा नीति नियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संविदा कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा तथा उनको नियमित किया जाएगा इसलिए महिला बाल विकास विभाग में अनेकों परियोजनाओं में पद खाली पड़े हुए हैं उन पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है तथा वन विभाग में नियमित भी कई पद खाली पड़े हुए हैं उन पदों पर तेजस्विनी परियोजना के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को अवगत कराया कि इन कर्मचारियों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय विभाग को दिया है सभी की शादी हो चुकी है और बच्चे भी हो चुके हैं इनके माता पिता की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है नौकरी जाने से संविदा कर्मचारी सड़कों पर आ जाएंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी स्पष्ट है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा निकाला नहीं जाएगा अतः तेजस्विनी परियोजना के संविदा कर्मचारियों को अन्य योजनाओं में संविलियन किया जाए तथा जिन संविदा कर्मचारियों की सेवाएं दो माह पूर्व समाप्त कर दी गई हैं उनको भी अन्य योजनाओं में संविलियन किया जाए जिन लोगों की संविदा समाप्त की जा रही है उनके पदों के नाम हैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक अतिरिक्त अतिरिक्त कार्यक्रम प्रबंधक मूल्यांकन एवं अनुश्रवण सहायक कार्यक्रम सहायक स्टेनोग्राफर लेखा सहायक आदि तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी संविदा कर्मचारियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके इसी प्रकार की खबर पाने के लिए आपका दोस्त चैनल से जुड़ना न भूलिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद